अरे भाई राम राम। तो भाई लड्डू धारा इधर सारी छोजा ने राम राम। सारे भाई ने राम राम। हो गए तो भाई पीछे देखते हूँ कि भाई संडे राइड आज। तो भाई आज जहाँ संडे राइड पे तो यार पिछले लोग को अपने पासपोर्ट नहीं दिया है। तो यार मैंने क्यों मन के मत करवा तुम सोदे भी ऊपर को दबा दो। मैंने भी रेगुलर सा चैनल है तो भाई पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। भैया थोड़ा जल्दी करवाओ ना। वही बात है यार घर वाले भी भेजा आज भी मम्मी के उसी नहीं जाना होने के दिन आठ दी वो है वो है। तो यार बहुत दिक्कत आ रही है घर से भी करने में कि व्यूज आ नहीं रहे हैं। 61 आवन 9 लाइक का यार उसमें स्वाद नहीं आ रहा है हमें। तो यार देखो मैंने अब तक ई एम आई अगले महीने अपनी कैमरा क्वालिटी भी कभी ठीक कर लूँगा। 360 और एक GoPro Hero 11 ले आऊँगा। तो यार तुम बस थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। तो मिलते हैं सीधा राइड में। तो भाई सीज़ा उतारने का नहीं लगता मुझे ऐसा। तो भाई अब अपनी होने वाली है राइडिंग चालू। तो देख लो कैसा लगता हूँ। तो बस इतना टाइम वेस्ट करते हैं अपनी राइड पे पहले दीपक से मित्र बी एम डब्ल्यू से उसके बाद अपनी राइड चालू करते हैं। तो भाई ये रहने रोकी मास है मतलब ये तो स्कूटी है कई सोचो रोकी स्कूटी बन गया। रोकी वहाँ पर सो गया आराम से। तो वो मैं चल गया गलती से रे खरी भाई अपने मैंने कॉल लगवा लिया इसमें दोबारा। तो भाई कॉल बन गया मजा आई आएगा ही कॉल मजा। तो थोड़े बहुत पैसे लेते पापा से पता नहीं कहाँ पे भाई देखते हैं। तो भाई निकल चुके अपनी राइड के लिए जो संडे राइड होने वाली है। तो पता नहीं भाई कौन कौन आ रहा है। तो भाई मैं और भी हम लोग अपनी संडे राइड पे आए थे पक्का है। तो भाई और पता नहीं कौन कौन आ रहा है तो देखते हैं। तो भाई हम मिलते हैं सीधा रोड पे। तो ये भी देखा है कहाँ पे अपनी राइड निकल चुकी है तो मुझे दिखा के पता चलेगा। तो सीधा मिलते हैं ऊपर। तो भाई अपना निकल चुके हैं अब हम सीधा आजादपुर जाएंगे। अब भाई अभी चढ़ चुके हैं हम जो पीरागढ़ी फ्लाईओवर से जाता है। तो अब डायरेक्ट मिलेंगे हम एक अपना एन एस वाला भाई है उससे मिल लेंगे उसके बाद चलेंगे। एन एस वाला भाई क्या है ना कि वो हम लेट हो गए थे थोड़े आज इसलिए मैंने वहाँ पे जब भी हम बोलो के घर से निकलते हैं उसकी भी वीडियो नहीं बनाई वो इसलिए नहीं बनाई भाई लेट हो रखे थे आज यार धुंध भी ज़्यादा थी आप सामने देख सकते हो। तो भाई अब एन एस वाला हमें आगे मिलेगा। वो बोल रहा था भाई मैं आगे आ गया हूँ पेट्रोल पम्प पे उसको कुछ भूख लगी थी खाना पीना था तो वो हमें वहाँ पे ही मिलेगा डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे। तो अभी हम लोग अपनी चल रही है आगे। तो भाई आज कितनी राइड थी सुखदेव की। तो साइड में चल रहा कंटेनर भाई भाई भैया हम जा रहे हैं। तो भाई अनस वाला भाई ये मिल गया हमें पेट्रोल पंप पे खड़ा। तो भाई अभी हम लोग यार लुकी तगड़ी आ रही है। तो यहाँ से पहले हम देखेंगे कि भाई अपनी बाइकों में तेल नहीं था तेल डलवाने की सोचेंगे। तो भाई ठंड लग रही है बड़ी तगड़े वाली। तो भाई निकल चुके हैं सोच अगले पेट्रोल पंप पे तेल डलवाएंगे। मेरे में तो 4 डंडे थे तो मेरे को लगा कि हम मैं तो आ ही जाऊँगा वापस और आ ही गया भाई 4 डंडों में वापस। मेरे में एक डंडा बच गया हमारा उसमें से भी। तो भाई भी हम लोग बोलते चलो तेल डलवा देते। तो भाई तेल डलवाने के लिए हमने अपनी बाइक मोड़ ली है पेट्रोल पम्प की ओर।
डिजाइन के चक्कर में तो तेरे पैर है पर कभी बारता हुआ कर देंगे आगे तो वो पेट्रोल हम इतना साल जाएगी तो कैसे मैं पीछे पैडल पे भाई वहाँ चल नहीं रही थी मशीन, इस वजह से मैं आगे जाना पड़ गया। तो यार देखो मैंने कही मेरे 4 डंडे में अपनी बाइक वापस आ जाएगी, क्योंकि मेरे को मतलब कल लाना है, मतलब वीडियो तो लेट आई भाई मेरे को, अपने कल हेलमेट लाना है मेरे को एक, तो और भाई नीचे के ग्लव्स वगैरह भी लाने हैं मेरे साथ। एक हम काउ लगवाएगा तो भाई अब अपनी राइडर यहाँ पे नॉलेज चालू चालू के यार को लगेगा गाने का कॉपी राइट आ जाएगा तो दूसरी जगह भी होना ही है। तो भाई हमने अपना टैंक करवा लिया फुल, मतलब मेरा तो है नहीं, मैं बता रहा था कि भाई मेरे को मैं वापस आ जाऊँगा, मेरे साथ एक हादसा भी होता भाई, मेरे को ठंड लग रही थी, मैं BMW के साइलेंसर आ गया जो हवा फंकाते ना इंजन उस पर हाथ से एकदम लग गया, तो मेरे ग्लव्स ही फट गए, वो इतनी तेज़ हवा फंका रही थी गर्म। तो भाई एक दिक्कत अपने को आई है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और गुड न्यूज़ भी है। तो भाई हम जाम से निकल चुके हैं, पीछे जाम लगा यहाँ के ये 3 पुल नहीं बने, जितने 3 पुल बन जाएंगे तो अपने लिए अच्छा हो जाएगा, हमें नीचे उन्हीं को रहना पड़ेगा, जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अभी सारी गाड़ी एक साथ नीचे आ जाती है तो भाई दिक्कत आ जाती है। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि मेरे ग्लव्स भी फट गए थे, और एक गुड न्यूज़ भी है। तो भाई अपनी गुड न्यूज़ ये है कि मैं कल अपना हेलमेट लेने जा रहा हूँ अच्छा सा, और भाई उसके बाद अपने इस महीने के दिन बचेंगे, बस 10 दिन बचेंगे, कल हेलमेट आ जाएगा तो 9 दिन बचेंगे, उसके बाद हम अपना एक GoPro भी लाने वाले हैं, जिससे अपनी जो मोटो लगेगी ना अल्ट्रा प्रो मैक्स होने वाली है, मतलब दवाई मच जाएगी। तो अब उसी दवाई में मिलते हैं आपको आगे, तो अभी के लिए कैमरा बंद। पहली बार जगह मिली है, खूब मजा आया, पहली बार जगह जगह मिलता है इससे ज्यादा के चाहिए।
तो भाई अपनी राइड थी सुखदेव की, अपनी राइड थी सुखदेव की, सुखदेव पहुंच चुके हैं। हाँ भाई कैसी रही? बढ़िया, एक नंबर की राइड। कितना लगाया टॉप एंड? टॉप एंड ये 150 या 155 तो भाई अपने परमठे वगैरह खा के निकल चुके हैं क्योंकि पीछे अपने को दिक्कत आ गई थी, हम मतलब खड़े हो गए थे तो भाई BMW के साथ खिंचवाने बंदे फोटो आ गए थे, उस वजह से हमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक वाले आ गए थे, वो हमको पकड़ लेते, वो अपना टो ट्रक लाए थे साथ में। तो भाई आगे एक बिल्ली देखो जहर सी, MS वाला भाई साहब ऐसे मारते हैं, मतलब अंत चलाते हैं, एक नंबर की बिल्ली मारता है। तो भाई मैं भी सोचा मैं भी मार लूँ एक बिल्ली, तो भाई चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, एक और दो और तीन, मेरे को भी आ गई यार थोड़ी बहुत तो आ ही गई है। तो वो भाई भारत में फैन खत्म नहीं होंगे। तो गाइस ये आज अपने फैन अगर आपको सुन के दिख रहा होता तो भाई ये हमने कुछ लिया है ना बाइक का चल गया था। तो भाई अपना उल्टा निकल चुके हैं घर की तरफ, तो भाई यहाँ पे अपना आपको ऊपर उठना पड़ता है क्योंकि ब्रेकर्स और ये भाई जो आखली सी आती है हरियाणा में बोलते हैं इसको, तो इसमें दिक्कत आती है भाई, बाइक के 100 करोड़ पर टायरों पर दबाव पड़ता है। तो भाई मैं बात कर रहा था कि भाई हम जा रहे अपना कल हेलमेट लेने, और भाई हेलमेट ले आएंगे तो भाई अपना GoPro भी ही आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, और भाई उससे नेक्स्ट मंथ अपना एक फ़ोन भी ले लेंगे अच्छा सा। इससे पहले मेरे पास iPhone 12 है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ 14 ले लूँ, मतलब यार वो तो हेलमेट मेरा नहीं है मेरे भाई का है। तो भाई अभी यार बाइक कैश वगैरह लाया था, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में जैसे कि अभी बाइक लाया था कैश और भाई GoPro भी लिया था यार, तो भाई दिक्कत आ रही है। तो आपने जैसे कि देखा मैंने टैंक भी फुल नहीं करवाया क्योंकि भाई मेरे को कल जाना है हेलमेट और ग्लव्स और शूज़ और सारी चीज़ लेने, तो मेरे वहाँ पे 10 से 12 हज़ार लग जाएंगे और हेलमेट के अलग है, मतलब 16 से 17 हज़ार का मेरा खर्च आ जाएगा कम से कम। तो भाई यार तुम भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो जैसे कर रहे हो, तो भाई मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। अगर भाई आप वीडियो देख भी रहो ना तो भाई थैंक यू यार, क्योंकि जो भाई 70 बंदे देखते ना वो पूरी वीडियो देखो यार, क्योंकि 70 में भी मेरा वो उस टाइम बढ़ेगा। तो भाई यार एक तो मैं अभी इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ जो घर वाले इतने पैसे मेरे को दे दें, मतलब देने को यार देखो सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, पर यार इतना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 से 5 लाख का सेटअप हो रहा है, तो भाई धीरे धीरे करके मैं उसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 लाख का सेटअप है मोटो व्लॉगिंग में जहाँ तक है भाई, एक फ़ोन वगैरह मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो मिलते हैं सीधा आगे रोड पे ही मिलेंगे, और कहाँ पे जा रहे हूँ। तो भाई अभी के लिए सारे भाइयों को राम राम, सारी छोरियों ने राम राम। तो अगर भाई व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर। तो भाई अब अपना जाएंगे कल एक अच्छा सा हेलमेट लेने नारायण BMW के शोरूम के ऊपर, एक ट्रैक मशीन तैयार होती है जहाँ पे वहाँ पे अपना करेंगे एक नंबर का हेलमेट एयर टाइट, अपना ये वाला हेलमेट एयर टाइट नहीं है,
तो भाई सीधा अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो और ये वाला व्लॉग भाई इतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि कई चीज़ है जो मैं आपको दिखाना भूल गया, तो भाई उसके लिए माफ़ करो। तो भाई अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए सारे भाइयों को राम राम, थैंक यू भाई मेरा व्लॉग देखा आपने, जय हिंद जय वंदे मातरम जय दाता भाई की जय श्री राम।